नमस्कार लाइव लगातार से मैं राजलक्ष्मी आपका स्वागत करती हूँ साक्षी बाजार में। अभी कुछ दिनों से साक्षी बाजार की हालत काफ़ी सुस्त बनी हुई है। बाज़ार की असली रौनक, यहाँ की भीड़, वो शायद गायब है। तो चलिए हम बातचीत करेंगे दुकानदारों से और जानेंगे कि आखिरकार क्या वजह है जिस कारण बाज़ारों में भीड़ शादी के सीज़न में जो सबसे अधिक देखने को मिलती थी हर वर्ष, इस वर्ष नदारद है। तो देखिए जमशेदपुर से मेरी खास रिपोर्ट। बताइएगा कि अभी क्या कंडीशन है मार्केट का, बाज़ार अभी कैसा है, अभी चल रहा है? मार्केट तो अभी है नहीं, बाज़ार का स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है। भीड़ कम हो रही है, महंगाई बढ़ रही है, लोग हिसाब से भी खर्चा कर रहे हैं, सेविंग के हिसाब से। लेकिन शादी सीज़न तो अभी काफ़ी रहा, जैसे बहुत सी शादियाँ हुई लेकिन फिर भी मार्केट में भीड़ देखने को नहीं मिली, क्या कारण हो सकता है, आप लोग क्या एनालाइज कर रहे हैं? देखिए जैसे मान लीजिए शादी में कोई 20,000 खर्चा करते हैं तो आप उसे 10,000 में आ गए, 10,000 बजट में आ गए, तो सब लगन तो काफ़ी है, शादी ब्याह बहुत है, जनवरी में काफ़ी लगन है, उस हिसाब से मार्केट होना चाहिए लेकिन हो नहीं पा रही है। दुकान में स्टॉक भी भरपूर रखे हुए हैं फिर भी तो उम्मीद है कि खरीदार आएंगे लेकिन उस हिसाब से नहीं है 25% 100% जहाँ फर्क है वहाँ 25% ग्राहक आ रहे हैं। क्या रीजन हो सकता है, सेविंग्स कर रहे लोग, क्यों सेविंग कर रहे हैं? थर्ड वेव के लिए कोरोना के चलते मान लीजिए कुछ होगा तो आगे वो पैसा काम भी आए। सारे कारण है मार्केट में भीड़ नहीं होने का, लगन के बाजार के बावजूद कारण ये है कि लोग कुछ तो डरे हुए हैं। और ऐसी बात नहीं है कि बाजार बहुत ज़्यादा ख़राब है, जिनको सामान लेना होता है वो दुकानों में आते हैं और थोड़ा सेफ्टी के साथ वो अपना सामान खरीद लेते हैं कि कुछ पैसे भी बच जाएँ और कुछ काम भी हो जाए। ये कारण भी है कि सेल घट रही है, बाज़ार में लोग कम आ रहे हैं, लेकिन जिनकी ज़्यादा ज़रूरत है ब्याह शादी के मामले में कम से कम कुछ सामान तो बाज़ार से ख़रीदेंगे ही। लेकिन हर आदमी के मन में खौफ ज़रूर है कि मार्केटिंग भी हो जाए और कुछ पैसा भी सेव कर लें ताकि अगर लॉकडाउन होता है तो घर में बैठ के खा सकेंगे, यही सब कारण है। तो जैसे शादी सीजन काफ़ी जोरों पे, जैसे तो हर दिन देखने को मिल रहा है कि शादियां हो रही है, खरीदारी तो हर साल ऐसे मंदी तो नहीं रहती थी अंकल? मंदी के मैंने आपको बताया ना अभी कि बहुत सारे कारण हैं, लोग सेफ्टी की तरफ भी ध्यान दे रहे हैं, अब लोग पढ़े लिखे भी हो गए हैं, वो ये नहीं चाहते कि हम 10 जोड़ा जूता और 20 जोड़ा ड्रेस खरीद लें और कल को खाने को ना मिले, तो लोग समझदार भी हो गए हैं। कुछ मंदी का असर इसलिए भी है कि लॉकडाउन को लेके भी लोग चिंतित हैं कि पैसा रहेगा तो खाना खा सकेंगे कम से कम, यही सब कारण है, इसी के चलते मार्केट में कुछ मंदी है। और अगर ये बोलें कि बहुत ज़्यादा मंदी है तो मैं समझता हूँ कि यह गलत बात है, मंदी है इसमें कोई शक नहीं, भीड़ नहीं है, लोग अनावश्यकता चीज़ें नहीं खरीद रहे हैं, उनकी जो ज़रूरत की चीज़ है वो अवश्य खरीदते हैं। तो कहीं ना कहीं बाज़ार की असली रौनक यहाँ की भीड़ नदारद है और इसके पीछे की वजह दुकानदार बता रहे बढ़ती महंगाई और कोविड की तीसरी लहर। जिस तरह से कोविड की पहली और दूसरी लहर ने लोगों को प्रभावित किया, उस हिसाब से अब कोविड की तीसरी लहर से बचने के लिए लोग सेविंग्स कर रहे हैं। और जिस तरह से कोविड की पहली और दूसरी लहर में अर्थव्यवस्था पूरी तरह से बेपटरी हो चुकी थी, उस हिसाब से लोग अब सेविंग्स करके खुद के लिए, आने वाले भविष्य के लिए कुछ बचा रहे हैं और गैर ज़रूरी चीज़ों को खरीदने से बच रहे हैं। और जिस तरह से कोविड की तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है, उसके डर से भी कहीं ना कहीं मार्केट में भीड़ जो है वो नदारद है। और यही कुछ वजह है जिसकी वजह से आज शादियों का सीज़न जो है वो इतने ज़ोरों शोरों पर है। बावजूद इसके आपको साक्षी बाज़ार जो कि मुख्य केंद्र माना जाता था और जहाँ पर खरीदार सबसे अधिक आते थे, वो पूरी तरह से खाली है। तो अभी देखते हैं कब तक कोविड की तीसरी लहर व्यापारियों को और बाज़ार को इस तरह से सुनसान और खाली करके रखती है, क्योंकि संभावनाएं जताई जा रही है कि फरवरी तक कोविड की तीसरी लहर आ सकती है। और ओमिक्रॉन की बढ़ती संख्या केसों के बाद कहीं ना कहीं तीसरी लहर की संभावनाएं और अधिक तीव्र हो गई है। तो इसी के साथ नमस्कार, मैं राजलक्ष्मी लाइव लगातार से। न्यूज़ अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।